सिवान में पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने सिवान संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी विजया लक्ष्मी के पक्ष में जीरादेई विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने तपती धूप और लू के बीच भी अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान जारी रखा। वो सिवान लोकसभा के तूफानी चुनावी दौरे पर हैं, लगातार क्षेत्र के गांव कस्बों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पूरा साथ भी मिल रहा है। लोगों ने फूल माला पहनाकर रमेश सिंह कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया और एनडीए समर्थित प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को जिताने का भरोसा दिया। प्रचंड गर्मी के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकलकर रमेश सिंह कुशवाहा का स्वागत और समर्थन करते नजर आए। रमेश सिंह कुशवाहा ने एनडीए समर्थित प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में तूफानी दौरा किया और आगामी 25 मई को होने वाले सिवान लोकसभा चुनाव में तिरछाप पर बटन दबाकर मतदान करने का अपील जनता और मतदाता से किया। देखिए, शहर से लेकर गांव तक नरेंद्र मोदी जी की लहर है, एनडीए की लहर है, माननीय नीतीश कुमार जी की लहर है। आप जनता के किसी भी तबके में जाइएगा, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से में लोग नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, पिछले बार 39 सीटें एनडीए यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार जो माहौल जो दिख रहा है इसमें 40 में 40 सीटें हैं। एक तो जो इंडिया गठबंधन है, जो अपोजिशन है, वो बिखरा हुआ अपोजिशन है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। और देखिए, जो अलायंस इंडिया गठबंधन में होना चाहिए वो नहीं है। अंत अंत तक लोगों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो उसमें उत्साह ही नहीं है विपक्ष में, और इंडिया एनडीए गठबंधन में ज़बरदस्त उत्साह है। और सिवान में भी आप देखेंगे, आप लोग तो कई जगह हमारे कार्यक्रम में गए, जहाँ कहीं भी जाइए, इतना कटनी के बावजूद, इतना लगन के व्यस्त मौसम के बावजूद भी हर जगह आपको गांवों में हमको समर्थन दिख रहा है। अभी हम जहां बैठे हैं ये पूरा पूरी श्रीवास्तव जी लोगों का टोला है। इसके पहले जहां गए हम लोग दलित के दरवाजे पर थे, दलित का वो घर था, पटेल जी लोग वहां थे, कुशवाहा जी लोग थे, चौहान लोग थे, हर वर्गों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आगे भी आप लोग चलेंगे, अभी यहाँ से हम लोग अकोली चलेंगे, वहाँ भी देखिएगा समाज के हर वर्ग, हर तबके का, यहाँ तक कि लालू जी जिस सोशल बेस का रिप्रेजेंट करते हैं तेजस्वी यादव जी, उनके खुद के सोशल बेस का 25-30% वोट एनडीए उम्मीदवार को यहाँ मिलने जा रहा है। इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। और पहले से भी देखिएगा, पिछले चुनाव में भी जब कविता सिंह जी जब चुनाव लड़ रही थी उस समय भी यादव समाज का वोट हम लोगों को मिला था, और इस बार भी यादव समाज के एक हिस्से का वोट हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम ही लोग समाज के हर वर्गों में, हर तबकों में समर्थन पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं पा रहा। सभी लोग ये वादा कर रहे हैं कि हर जाति धर्म का वोट मेरे साथ है, आप भी यही वादा कर रहे हैं? ये तो मीडिया का काम है ना, पता लगाना कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि क्या है। आप स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद जानिए, लेकिन इतना सच है, ये मेरी कोई दवा नहीं है, ये रियल सच्चाई है कि एनडीए के पक्ष में हवा चल रही है। बिहार और देश का विकास क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है? देखिए, ऐसा है, मोदी जी हैं 10 बरस से, आपने देखा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, हमारे देश की जो सैन्य ताकत है वो मजबूत हुआ। आज कोई भी ताकतवर देश भी भारत को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ख्याति प्राप्त की है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना चर्चित प्रधानमंत्री विश्व पटल पर आज तक हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा देश, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, सैन्य तंत्र का मामला हो, हर जगह हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों के लिए माननीय मोदी जी ने जो किया आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। अभी आप देखें, उन्होंने जो घोषणा पत्र जो जारी किया है, जो गारंटी करने का उन्होंने वादा किया है, कहा है कि जो गरीबों को जो 5 किलो अनाज मिलता है ये अगले 5 बरस तक मिलते रहेगा, उन्होंने किया और मिल भी रहा है, जब से वो गारंटी करते मिल रहा है। सिर्फ मोदी जी के विकास कार्यों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं या नीतीश कुमार के भी कार्यों को? दोनों को। बिहार का मॉडल तो
देश में सबसे उन्नत और विकसित मॉडल है। हम आप मोदी जी को नीतीश जी से अलग मत कीजिए और नीतीश जी को मोदी जी से अलग मत कीजिए, दोनों एक ही साथ है ना। तो यहाँ बिहार की बागडोर नीतीश जी के हाथों में, देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। तो यहाँ जब से नीतीश जी NDA का पार्ट बने हैं, NDA और मजबूत हुआ है और ताकतवर हुआ है, उसके वोट बैंक में और बढ़ोतरी हुई है। ये काम नीतीश जी के आने के बाद तो इंडिया गठबंधन के बारे में जो परसेप्शन बना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसलिए आप नीतीश जी को कम करके मत ताकिए। नीतीश जी के पास एक बड़ा वोट बैंक है और जब दोनों मिलते हैं, जब डबल इंजन जब लगती है तो इसकी रफ्तार तेज हो जाती है। आप लोगों का जो सवाल था कि श्रवण वोट, देखिए दुर्गा प्रताप सिंह इनके बड़े भाई जीरादेई से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर त्रिभुवन बाबू के भाई हैं। ये सरोज सिंह राणा जी, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। ये हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, और बगल में मोहन राजभर जी, जो अति पिछड़ों के सिवान के अपने समाज के सबसे बड़े चेहरा। ये हैं राम पुकार चौहान जी, छोटका माझा पंचायत के मुखिया। तो आपको लगता है कि नहीं कि समाज के हर वर्ग हर तबका यहाँ मौजूद है? समाज के देखिए एक प्रचार चलाया जा रहा है, लेकिन प्रचार की हवा निकल जाएगी इस बार और लोगों से। मोदी लहर तो पूरे देश में है, यहाँ जिला दे तो छोड़िए, सिवान में पूरे पूरे सिवान जिला में मोदी लहर है। और हमारे जो विजय लक्ष्मी जी हैं NDA के प्रत्याशी है, वो बहुत भारी मतों से विजयी यहाँ हो रही है। यहाँ कतई लड़ाई नहीं सिवान में नहीं है, इतना हवा सब बह रहा है। सब ये सब जो पूर्व में जो सांसद थे, मतलब नाम नहीं जानेंगे, उसका सब लोग दलाल है। मतलब इसके पूर्व में पहले, मतलब 2009 के पहले थे सांसद, उनके सब लोग दलाल है। चमचा बेलचा लोग कमाया है, वही लोग घूम रहा है, फटफट फटफट लोग बोल रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लड़ाई नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी है बस। यहाँ पर एकदम तीर छापर वोट में सब लोग बढ़ेंगे। देखिए लोग का मूड रहते, यहाँ मुंड लोग बना चुकी है, NDA मुंड बना चुकी है कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर सिवान में विजय लक्ष्मी जी आई हैं, तिरछाप चुनाव चिन्ह है। मोदी जी का लोग क्षेत्र में दलित महादलित अति पिछड़ा कर लोग औरत लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सिवान में तिरछाप है, तिरछा पर वोट मारना है और भारी मतों से विजय लक्ष्मी को यहाँ पर जीता कर, और हमारे माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश में बनाना है। हम लोग देश के विकास होगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री के बदले होगा। मतलब और सिवान का सांसद जीतेगी विजय लक्ष्मी जी, ये अपने सिवान में भी विकास करेगी और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास करेंगे। देखा जाए तो प्रत्याशी के नाम में ही विजय लगा हुआ है, तो क्या लगता है ऐसे ही विजय? देखिए जिस अब तो आप तो धर्म के बात बोल दिए, तो जहाँ जहाँ पर विजय और जहाँ पर लक्ष्मी, जहाँ पर नाम आएगा, जहाँ धर्म के बात आएगा, तो लक्ष्मी माता दो संसार के माता हैं। तो जहाँ हम तो नहीं जानते हैं कि जहाँ लक्ष्मी माता का जहाँ जहाँ नाम आ जाए वो चुनाव हार जाए, जहाँ लक्ष्मी जी जहाँ नाम आ जाए वहाँ विष्णु भगवान देखिएगा 22, 23, 24 तीन मतलब मई में 3 दिन आएंगे और चक्र चलाएंगे और 25 तारीख को सबको मुंड घुमा देंगे चक्र से और तीर छाप बटन लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और विजय लक्ष्मी को रिकॉर्ड मोड से विजय बनाएंगे। जान लीजिए, थैंक यू। हमारे साथियों को आप देख रहे हैं, NDA गठबंधन के तमाम भाजपा जदयू के कार्यकर्ता और नेतागण विजयीपुर मोड़ पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी की प्रतीक्षा में 1 घंटा से तपती दोपहरिया में खड़े थे। आज जीरादेई विधानसभा के जीरादेई प्रखंड के 8 पंचायतों का सघन जनसंपर्क अभियान आज हमारे प्रत्याशी के पति श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। रह गई बात आप जो पूछे कि तमाम प्रत्याशी दावा करते हैं कि सारे वर्ग का समर्थन है, ये कैसे सिद्ध होगा, आपका ही क्वेश्चन था। पिछले चुनाव में भी जो प्रत्याशी थे लगभग वही प्रत्याशी आज के डेट में भी हैं। पिछले चुनाव में भी प्रत्याशियों के द्वारा दावा किया गया था कि हमको इस वर्ग का समर्थन, लेकिन वो आंकड़ा आपके सामने है, उससे 1.25 लाख ज़्यादा NDA प्रत्याशी को वोट मिला था। आज भी जो भी दावा किया जा रहा है तो ये आंकड़ा से ही सिद्ध होगा। आज के डेट में हम लोग 3 लाख से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। जो इंटैक्ट वोट था एक जगह पे महागठबंधन का, वो बिखरा हुआ है। NDA गठबंधन का आप सारण प्रमंडल में देख लीजिए, सारण प्रमंडल में 4 सीटें हैं, चारों सीटों में NDA गठबंधन इंटैक्ट है। कहीं भी NDA के कोई भी प्रत्याशी कहीं भी निर्दलीय या उस तरह का विस्फोट नहीं है। और आप देख लीजिए महागठबंधन में चारों सीटों पर कहीं ना कहीं से निर्दलीय और उसी वोट में बंटवारा हो रहा है।
तो ये ऑलरेडी प्रूफ है कि कहीं से भी एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग जीतेंगे। एनडीए प्रत्याशी का नाम जारी होने के बाद से ही एक हवा चली थी कि सवर्ण जाति का जो भी वोट बैंक है वो हिना साहब की तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? ये सवर्ण जाति आज देख लीजिए, इस जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें आप अंदाज़ा लग जाएगा कि सवर्ण जाति का वोट किधर इंटैक्ट है। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है, तो हम लोग के विरोध में भी जो लोग हैं वो तमाम तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या दावा है। एकदम प्रैक्टिकल में आप देखिए कि जो लोग जहां पर भी पिछले चुनाव में इंटैक्ट थे वही लोग आज भी हवा बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं भी सवर्ण वोटर एनडीए से अलग नहीं है। क्या लगता है कोई भी दूसरी हवा नहीं चलने वाली है? कोई दूसरी हवा नहीं चलने वाली है। किस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्रत्याशी को मिल रहा है? एनडीए प्रत्याशी को सभी जाति, सभी धर्म और सभी तबके का आशीर्वाद मिल रहा है। 2009 से एनडीए प्रत्याशी जो भी आए हैं, 2009 से जो भी एनडीए प्रत्याशी आए हैं सबको, सभी वर्गों का समर्थन मिलते आ रहा है और हम चुनाव जीतते रहे हैं। जनता का समर्थन जो है आप सभी देख रहे हैं, सिवान में, खास करके सिवान में सभी तबकों का जो एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में जो समर्थन है, आज के पहले बहुत सारे चुनाव हुए हैं उन चुनावों में ऐसा समर्थन नहीं रहा है। रही बात कि आज जो अति पिछड़ा समाज है, महादलित समाज है, दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, उच्च वर्ग समाज है, सभी तबका ये पहली बार सिवान में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। खड़ा होने का मतलब है कि जो हमारी प्रत्याशी बनाई गई हैं पूर्व विधायक बड़े भाई श्री रमेश कुशवाहा जी की पत्नी, चूँकि इन्होंने आजीवन दबे कुचले वंचित हिस्सों का इन्होंने सिवान के अंदर जो प्रतिनिधित्व किया है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है, उस लड़ाई के चलते जो विपक्षी खेमा है जो कभी एनडीए से दूर रहा करता था, आज वह खेमा टूट करके मजबूती के साथ विजय लक्ष्मी और रमेश कुशवाहा जी के पक्ष में यहाँ खड़ा है, जिससे विपक्षी घबराए हुए हैं, हताश हैं। सिर्फ उनके अंदर जो नेता है, नेता ही सिर्फ बोल रहे हैं, जनता वहाँ से गायब है। ये हालात है सिवान में। आप देखेंगे आने वाले 25 मई को जो चुनाव होगा, उस चुनाव के दिन मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि यहाँ कोई दूसरा लड़ाई में नहीं रह जाएगा। हमारी प्रत्याशी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से, हमारे पूर्व विधायक जी का जो वक्तव्य था कि 3 लाख पार, 3 लाख नहीं, मेरा मानना है कि हम लोग 5 से 6 लाख अंतर से यहाँ चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड मत यहाँ हासिल करेंगे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भाई बंधुओं का मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। और यहाँ शंकर जी का मंदिर है, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, यह धर्म का देश है। और यह हमारे आज के राजा, वर्तमान राजा, हमारे प्रशासक माननीय मोदी जी बहुत धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। और हमारे बगल में एक नेपाल देश है जहाँ कहा जाता है कि जय देश है जय नरेश, जय मतलब देश की जय हो, पर देश रहेगा तो हमारा नरेश रहेगा। तो हमको ये कहना है कि हमारे मोदी जी ऐसे संचालक मिले हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। पहले 3 बात और हम कहेंगे, 3 बात सुन लीजिए भैया आप लोग, देश रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, राजा रहेगा अच्छा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कहना यह है कि यह पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है रोज़ हमारे सैनिकों को मारता था, जिसके घर के भी सैनिक मरते थे उसकी जाके स्थिति देखिए, उससे हमको सुरक्षित किया है तो किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। दूसरी बात, यहाँ गर्मी के दिन में अक्सर सुनने में आता था इसके घर में आग लग गया, क्यों लग गया भाई? खाना बना रही थी, आग लग गया। मोदी जी ने जो चूल्हा दिया है औरतों को, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है और सभी लोग सुरक्षित हो गए। दूसरी बात, ये किसान को कोई नहीं पहचानता था भाई, सभी लोग अधिकारी को पहचानता था। किसान को 500 रुपया महीना जो देते हैं मोदी जी, तो हम भी किसान गौरवान्वित हैं। और यह किसान का देश है, 80% लोग किसान है, 20% सरकारी अधिकारी लोग हैं। तो भैया जय मोदी जी की जय, और मोदी जी के समर्थन में जो भी आएंगे हम उनको जीत कराएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एकदम मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, किसी भी नेता पद पर होते हुए भी 18 घंटा ड्यूटी देने वाले मोदी जी हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी को जिताए, सुरक्षित रखने के लिए जो उनका प्रतिनिधि बनेगा, रमेश भाई बने हैं, उनकी जीत निश्चित है, उनके
रूप में लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी और सरस्वती जहाँ रहेंगी उनका विजय कभी भी है। ठीक है, ठीक है।